दोस्तों, मुंबई इंडियंस टीम के खिलाफ मैच जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रेयस अय्यर ने जो कहा उसके बाद पूरा केकेआर टीम मैनेजमेंट हिल गया। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने कहा कि प्लेइंग 11 सिलेक्शन में कोचिंग स्टाफ के साथ साथ सीईओ भिंकी मैसूर का भी योगदान रहता है और इसके बाद सारे इंटरनेट मीडिया में हलचल मच चुका है। सबका कहना यह है टीम सिलेक्शन जो कोचिंग स्टाफ और कप्तान डिसाइड करते हैं, वहां केकेआर टीम के ओनर का क्या काम। तो क्या केकेआर इसीलिए बैक टू बैक 5 मैचेस हारी है, क्या इसीलिए केकेआर की टीम में लगातार बदलाव देखने को मिलता है? तो आप लोगों को बता दूं, केकेआर टीम की पूर्व कप्तान गौतम गंभीर और हेड कोच ट्रेवर बेलिस के जाने के बाद से सीईओ विंकी माइसोर प्लेइंग 11 में अपना टांग अड़ाते हैं, इसलिए काफी सारे भारतीय और विदेशी प्लेयर्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे पहले भी हम लोगों ने देख चुके हैं, दिनेश कार्तिक ने सीजन के बीच में ही कप्तानी छोड़ दिए थे, हो सकता है उनको भी ये पसंद नहीं आया था। आईपीएल 2022 में 12 मैचेस खेली गई है, केकेआर सारे मैचेस में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर किए हैं। एक मैच में तो ब्रैंडन मैकुलम का बैटिंग ऑर्डर को लेकर भी श्रेयस अय्यर नाखुश दिखाई दिए थे। वही दूसरी तरफ दोस्तों, जब विंकी माइसोर को इसके बारे में पूछा गया था कि सच में प्लेइंग 11 सिलेक्शन में आप हिस्सा लेते हैं, तो उनका कहना यह है मैं टीम मैनेजमेंट के साथ हूँ, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस और सिलेक्शन में मेरा कोई भी योगदान नहीं है, कभी कभी सजेशन जरूर देता हूँ। तो इसके बाद साफ पता चलता है कप्तान श्रेयस अय्यर और विंकी माइसोर के बीच कुछ तो जरूर चल रहा है। और उसके बाद कुछ लोगों का कहना यह है कि आने वाले आईपीएल 2023 में शायद केकेआर कप्तानी से श्रेयस अय्यर को हटा भी सकती है। तो दोस्तों, टीम के बीच ऐसा अगर चलता रहा तो टीम के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो आपको क्या लगता है, कौन ठीक है और कौन गलत, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।